तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो कैसे हो तुम लोग? तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के जू में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स होने वाले हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, टाइगर। तो ऐसे ही इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और गाइज, तुम लोग कमेंट में बता देना कि तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है और तुम किसको ज़्यादा देखना पसंद करोगे इस जू में। तो हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जू, और ये सामने हमारे भाई साहब हैं जो टिकट बेच रहे हैं। भाई, इतनी ज़्यादा महंगी टिकट बेच रहा है ये, तो भाई इतने ज्यादा पैसे नहीं है यार मेरे पास, तो वैसे टिकट तो लेनी पड़ेगी, तो एक एडल्ट की टिकट ले ली मैंने। और ये सामने मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है विजिटर गिफ्ट शॉप। अच्छा, तो चलो ये गिफ्ट शॉप है, इसके अंदर चल के देखते हैं। अरे भाई साहब, इतने सारे टॉयज, यहाँ तो माइनक्राफ्ट के सारे एनिमल्स के टॉयज है, लेकिन भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो टिकट के भी पैसे नहीं थे यार, क्या करो, चलो छोड़ते हैं इसको और चलते हैं जू के अंदर। एक सेकेंड, यहाँ इस जू का इतना बड़ा मैप है। वैसे एक बात तो है, यहाँ बहुत ज्यादा हरियाली है और पेड़ लगा रखे हैं। और सामने मुझे एक रूम दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा है पैराडाइज डिनर। अच्छा, तो डाइनिंग रूम है ये, और इसके अंदर बहुत ज्यादा खाना है। भाई सामने लटक रहा है, मैं चाहूँ तो निकालूं लेकिन नहीं भाई, परेशान हो जाएंगे वो लोग। भाई मुझे अभी तक यहाँ का जू का एक भी स्टाफ नहीं दिखाया, सब कहाँ चले गए पता नहीं। तो गाइस, फाइनली हम जू के अंदर एंटर होने वाले हैं, और ऊपर लिखा हुआ एशियन हिल्स, तो चलो एशियन हिल्स के एनिमल्स हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं। वैसे यार गाइस, यहाँ रास्ते बहुत सारे हैं, मैं तो घूम जाऊंगा। असली में भी मैं जू में जाता हूँ तो मुझे रास्ते समझ नहीं आते कोई भी, तो चलो इस वाले रास्ते से चलते हैं। वैसे एनिमल्स हर जगह होने वाले हैं, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई सा भी रास्ता देखो एनिमल्स तो मिलेंगे ही। तो चलो इस रास्ते पे देखते हैं कि इस पे कौन सा एनिमल है। आगे चलते हैं, आगे मुझे एक केज दिख रहा है, इसके अंदर पता नहीं मुझे अभी तक एक एनिमल दिखा नहीं है, पूरा खाली खाली केज है ये, यहाँ एक भी एनिमल नहीं है। और भाई साहब, एकदम खाली केज है। भाई मुझे वहाँ एक एनिमल दिखा, ये कौन सा एनिमल है गाइस? लेपर्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन भाई इसकी पूंछ नहीं है, देखो इतनी छोटी सी पूंछ है पीछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा एनिमल है। चलो इसको तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं और भी एनिमल्स देखने के लिए। तो गाइस, वहाँ एनिमल का तो सीन कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो आगे चलते हैं इस वाले रास्ते पे। और गाइस, यहाँ तो एकदम खाली है, और सामने मुझे एक केस दिख रहा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अरे भाई, ये तो एलिगेटर है, और भाई एलिगेटर फंसा हुआ है लग रहा है मुझे, तो चलो एक बार हेल्प कर देते हैं इसकी। तो चलो एलिगेटर के केज के पीछे तो हम आ गए हैं, लेकिन भाई केज के अंदर ना गिर जाऊं यही डर है, तो यहाँ से हम इसको एक शॉट मारते हैं और इसको निकाल देते हैं। तो भाई ये मारा मैंने, और गाइस एलिगेटर निकल चुका है, तो चलो देखते हैं सामने से एलिगेटर कैसा दिख रहा है। अरे भाई, इतना सुस्त मत हुआ कर, अभी भी यहाँ आके खड़ा हो गया, और जो पहले फंसा था तब भी खड़ा ही था। भाई इतना सुस्त एलिगेटर है, पता नहीं क्या चबा रहा है, इसको खाने के लिए कुछ मिला नहीं है, जब भी चबा ही जा रहा है, पता नहीं क्या ही है ये। भाई लिटरली इस जू के एनिमल सारे सुस्त टाइप के हैं, भाई वो एलिगेटर तो अलग ही लेवल का सुस्त इंसान था। तो चलो सामने देखते हैं कि हमें कौन सा एनिमल्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ एक केज है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर कौन सा एनिमल है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि कौन सा एनिमल है। तो इस बुक को पढ़ के मुझे पता चला है कि यहाँ रहता है बंगाल टाइगर, तो देखते हैं कौन सा टाइगर है इसके अंदर। तो यहाँ केज के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा, अभी एकदम खाली खाली केज दिख रहा है। भाई ये भी सुस्त एनिमल है एकदम, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा केज है भाई, कहाँ से दिखेगा। भाई लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इस जू के सारे एनिमल ही सुस्त है। तो सामने मुझे एक केज दिख रहा है, मुझे लग रहा है इसके अंदर से कुछ हो सकता है, तो चलो इसकी बुक को पढ़ते हैं और देखते हैं अंदर कौन सा एनिमल है। तो गाइस, इस बुक को पढ़ के पता चल चुका है कि अंदर लेपर्ड रहता है, तुम भी पॉज करके इस बुक को पढ़ सकते हो। और गाइस, इतना लेपर्ड मुझे दिख चुका है, और गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है लेपर्ड। और गाइस, इतना कम डिस्टेंस है जब भी ये ऊपर कूद नहीं पा रहा है, इतने लेजी एनिमल है इस जू के। इनके बनाने वाले ने भी ऐसा केज बनाया है, इतने लेजी एनिमल भाई दो ब्लॉक का डिस्टेंस नहीं कूद पा रहा, शर्म है तुझ पे लेपर्ड है। और गाइस चलो इस पेड़ पे कूदते हैं, एक बार रिस्क लेके देखते हैं, लेजी एनिमल तो है भाई, मैं कूद गया लेकिन यार गिर ना जाऊं इसके अंदर में, जिसकी शक्ल तो देखो। अरे भाई साहब, मैं नीचे गिर गया केज में, और गाइस ये मुझे सामने घूर रहा है, भाई ये खाना ले भाई साहब, पीछे जाने की कोई भी जगह नहीं है। अरे भाई साहब, मजाक करते करते अंदर गिर गया, भाई खाना मत यार, खाना मत, मैं ऊपर चला जाता हूँ, सॉरी 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 भाई, भाई शेर लेपर्ड भाई सॉरी, मैं तो चिढ़ा रहा था। चलो ऊपर चलते हैं गाइज, यहाँ से चल ऊपर चढ़ जाते भाई, वह वापस से ना आ जाए भाई, अंदर ही रह तू, मैं भाग लेता हूँ। गाइज मैं गलती से इसके नहीं अंदर ही गिर गया था भाई, आज तो बाल बाल बच गए भाई, आज से कभी शेर चीते के मजे नहीं लूंगा यार। चलो आगे चलते हैं, कौन सा जानवर दिखता है। चलो गाइज, आगे मुझे हाथी दिख रहे हैं, और गाइज बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइज ये सीन, तुम देख रहे हो। और गाइज यहाँ वाटर पार्क भाई जैसा एकदम वाटरफॉल नीचे से बह रहा है, भाई इसमें कूद जाऊँ क्या? चलो कूद के देखते हैं गाइज, हाथी थोड़े ना कुछ करेंगे, एक बार रिस्क ले लेते हैं, चलो कूद जाते हैं नीचे। चलो इधर से कूदते हैं, इधर पानी बह रहा है, और ये छलांग लगाई मैंने और ये नीचे आ गया। भाई तू मत मार रहा है यार, उससे तो बाल बाल बचाऊँ। रोको, इसका नाम है रोको, और ये हाथी है भाई, भाई कुचल मत देना तू, तो कुचल मत देना यार। चलो ये पीछे हो गया है, और भाई इसके नीचे कहाँ आ गया मैं? गाइज बहुत बड़ा है यार, गाइज बहुत ज़्यादा, इसकी पूंछ भी बहुत मोटी है। और गाइज ये क्या है इधर? भाई इधर नहीं रहना यार, चलो बाहर चलते हैं। अब आगे मुझे दो और रूम दिख रहे हैं, चलो उसके पास चलते हैं, यहाँ क्या है?
भाई ये क्या लिखा है, वो मैन, और ये मैन भाई साहब।